आज हम बना रहे हैं आलू के भजिए। आलू को हमने इस तरीके से चिप्स में काट लिया है। आलू के भजिए में और क्या क्या लगता है मैं बता देता हूँ आपको। ये है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, अदरक लहसुन, थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ और बेकिंग सोडा थोड़ा सा, और लेंगे बेसन, उसके साथ लेंगे थोड़ा नमक। चलिए बेसन को फर्स्ट में मिला लेते हैं, पानी डालकर अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें ये मसाले डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसन को इस पैन में निकाल लेते हैं। बेसन ले थोड़ा सा, अब इसमें ऐड करेंगे नमक, ये जो हमारे मसाले थे पूरे वाले, जीरा, अजवाइन, बेकिंग सोडा, अदरक लहसुन और कुटा हुआ धनिया, इसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से, इसका पेस्ट कर ले अच्छे से, पानी मिला के अच्छे से इसका पेस्ट कर ले। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी जो कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी जिससे कलर एकदम येलोइश हो जाता है। इसे अच्छे से मिला लें आप, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट, थिक पेस्ट कर लें इसका। एक विस्कर लें, विस्कर से इसे अच्छी तरह मिला लें। देखिए हल्दी डालने से कलर कितना अच्छा आ रहा है। और आपको मैं टिप देता हूँ, एक स्पेशल टिप इसमें यह है कि थोड़ा सा सोडा, जब आप इसे तलना शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा सोडा डाल के क्या करें, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें और जब का जब मिलाकर डालें, इससे अच्छा फूलते हैं भजिए। इस तरीके का थिक पेस्ट बना लें, अच्छे से मिला लें। देखिए इस तरीके से अच्छा मिक्स कर लें, कितना येलोइश दिख रहा है और हमारे अजवाइन और जीरे के पार्टिकल्स क्लियरली दिख रहे हैं इसमें। अब एक काम करें, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा लें, अब इसमें हम तेल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। तेल को गरम करके हमारे भजिए तलना स्टार्ट करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब क्या करते हैं अपने तलना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैं तलने से पहले आपको बताया था थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लें, खाने का सोडा, और इस पे क्या करें थोड़ा सा पानी डाल लें, थोड़ा सा पानी डाल लें इस तरीके से। अब क्या करें, तलने से फौरन पहले थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं, इससे बहुत अच्छा फूलते हैं हमारे पकौड़े भजिए वगैरह। देखिए पैन हमने लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे हमारे कटे हुए पोटैटोस, यानी कि चिप्स जैसे काट कर लें हमारे पोटैटोस को, आलू को इसमें डाल लें। मिक्सर तो हमने पहले ही रेडी किया था, तेल भी हमारा गरम हो चुका है। अब क्या करेंगे, तेल में पोटैटोस को छोड़ेंगे। कैसे छोड़ना है मैं बताता हूँ आपको, तरीके से लगा लेके तेल में छोड़ते जाए। तेल अच्छे से गरम कर ले, देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे से हो रहे हैं। इस तरीके से हमारे आलू के भजिए बन रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से, सही तरीके से पका लें, धीमी आंच पे पकाएं। तेल अगर से बहुत ज़्यादा गर्म है तो, वरना या फिर तेल ठंडा है तो आंच बढ़ा के पका लें अच्छे से बना लें। इसके बाद हम इसे करते हैं डिश आउट। तो हमारे आलू के भजिए रेडी है, हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में जिसमें हमने टिश्यू पेपर लगा लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं, मैं आपको इसे जूम करके बताता हूँ। आलू के भजियों को हमने डिश आउट कर लिया। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये रेसिपी अपने घर पर ट्राई करिए।